मात सरस्ती सुमिर के धरूं गुरु को ध्यान, आन बिराजो कंठ में सुदे जइयो मम ज्ञान। तू ही काली तू ही काल का और तू ही कालन को काल, लज्जा मेरी राखियो सुखेरे की रच पा। तो गुरु तुम्हारे चरण की मैंने राजो मस्तक कुलई धार, नाब पड़ी मझधार में सुखे चुल गईयो पाप। आरी मेरी मैया सभा में आ जाइयो भोरी मैया, मेरी जननी सभा में आ जाइयो भोरी मैया, मेरी मैया सभा में आ जाइयो भोरी मैया। ए तिहारे चरणन शीशन बाबे, अरे मोई भूल ओई ज्ञान बताए जइयो भोरी मैया, मेरी मैया सभा में आ जइयो भोरी मैया। सब हाजुरी आई ए अबते ज्ञान सब हाजुरी आई, अरे मेरे बाजा पे आई बिरमाए जइयो भोरी मैया, मेरी मैया सब हमें आ जइयो भोरी मैया। सकल सभा में मैया जो मेरी भूलो दियो न का ज्ञान बताए, अरे बैठ भवानी मेरी ढोलक पे मेरे घरे करोरी बेसराम, अरे कबैया कुब सुर दियो और बज भैया बतइयो रीताल। अरे तेरा भमर बनो
तो आदरणीय हमारे बुजुर्गों एवं नौजवान भाइयों, वह प्यार करने बच्चों और हमारी माता बहन, त्रिमूर्ति कष्ट के माध्यम से मैं ये चेपक रामायण का किस्सा है सीता बनी काली। तो किस प्रकार से सीता जी काली बनी है और क्या किया है, तो ध्यान दीजिए बंधुओं। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पे से फतेह प्राप्त करके अयोध्या में आए, राज अभिषेक हुआ और इधर में भगवान ने ब्राह्मणों के लिए भोजन बनवाया, तो देखिए क्या होता है। ये त्रिमूर्ति कष्ट के माध्यम से सीता बनी काली प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। तो कैसे है के रावण मारो राव ने और गए अयोध्या आए, पूरी अयोध्या में रहे नर नारी सब हरोसाए, अरे नर नारी सब हरोसाई रहे मिलजुल कर खुशी मनाते हैं। खुशी मनाते हैं श्री रामचंद्र जी की जय जय, बंदर भालू सब गाते हैं। इधर में भगवान ने ब्रह्म भोज बनवाया है बंधुओं, तो आज ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं और बंदर भालू भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। जय जय सुन रामचंद्र जी की, सीता जी मन खिसियाई है, बंदर और ब्राह्मणों से फिर देख ऐसे गिरा सुनाई है। जैसे ही जय जयकार भगवान की गूंजने लगी अयोध्या में, इधर में बंदर भालू जय जयकार का शोर हो रहा है, तो सीता जी सुन सुन करके मन ही मन सोचने लगी है कि भगवान ने रावण को मारा है और इन सब के भूल है, अभी रावण तो देखा ही नहीं। तो क्या कह रही है डोकर, अरे रावण अब ही कहां देओ मारी, के रावण अब ही कहां देओ मारी, राम ने रावण की मारी। कहां देओ मारी, राम ने रावण की मारी। राम ने रावण की मारी, राम ने रावण की मारी, रावण अब ही कहां देओ मारी, राम ने रावण की मारी। और कहने लगी खानो है पकवान मिठाई, खानो है पकवान मिठाई, सु
अरे तुम जाओ घर सिधारी, राम ने रावण की मारी, रावण अबही कहाँ दयो मारी, राम ने रावण की मारी। इस प्रकार से सीता जी आज कहने लगी हैं और सीता जी की ओर भगवान देख रहे हैं, सोचने लगे हैं राम कि वो रावण कौन सो है और क्या कहने लगी हैं सीता जी। लंक विजय की देत दुहाई, लंक विजय की देत दुहाई, और राम की करत बढ़ाई, और राम की करत बढ़ाई। अरे बादर बातन के रहे पारी, राम ने रावण की मारी, रावण अबही कहाँ दयो मारी, राम ने रावण की मारी। रावण अबही कहाँ दयो मारी, राम ने रावण की मारी। आज जो बंदर भालू देखने लगे हैं माता जानकी की ओर, सोच रहे हैं कि हमने लंका पे जो विजय प्राप्त करी और वो मेहनत हमारी वैसे ही अखाड़ चली गई। माता ये कहती हैं कि अभी रावण नहीं मरा है, रावंटी मारी। आहा, और क्या कहने लगी हैं, देखो अबई काहे रावण, देखो अबई काहे रावण, जी तो छोटो सो लंकागढ़, जी तो छोटो सो लंकागढ़, और क्या बनावत राई के जे पहाड़ो, राम ने रावण की मारी, रावण अब ही कहाँ तयो मारे, राम ने रावण की मारी। राम ने रावण की मारी, राम ने रावण की मारी, रावण अब ही कहाँ तयो मारे, राम ने रावण की मारी। आज तो बंधुओं आज सीता जी कहने लगी हैं कि हे स्वामी, आपने अभी रावण को मारा कहाँ है, आप तो एक रावंटी को मार के वापस आए हो। भगवान कहने लगे हैं कि हे सीते, वो रावण कौन है जिसकी आप बढ़ाई कर रही हैं और हमें तो बताओ। बोले स्वामी सुनिए, मैं आपको बताती हूं। कहने लगी है
अरे सीता जी यो कहे पिया जी श्वेत दीप एक धाम, बहुत बड़ा बलवान है उसका मेरा बढ़े नाम सुखारी ना है सजना बमेहरा बड़ से लड़ना। स्वामी सुनिए गौर से, वो रावण इतना बलशाली है, श्वेत द्वीप का रहने वाला है। आज सीता जी के वचन सुनकर के भगवान कहने लगे श्वेत द्वीप में रहता है। हाँ तो सुनिए, अरे 2000 है उसकी हे पिया भोजा बलशाली, है उसकी हे पिया भोजा बलशाली, 1000 मुख से करता है पिया गुजाली, 'सुखारी ना है सजना बमेहरा बड़ से लड़ना। और सुनिए स्वामी, आहा इस रावण में खूबी है वो मैं आपको बता रही हूँ। भला आपने 20 भुजा 10 शीश वाला ही तो मारा है, अब देखिए इसके बावजूद भी उसमें कौन सी खूबी है। तो डोकर आज कहने लगी है कैसे, अरे खून बूंद जो उसकी गिर जावे पिया धराणों में, उसकी गिर जावे पिया धराणों में, और क्या अरे प्रगटे कई हजारों तब रावण एक ही क्षणों में, प्रगटे कई हजारों तब रावण एक ही क्षणों में, और क्या स्वामी देश देश के राजा उससे देखो करी गुलाम, अरे हाँ देखो करे गुलाम सुखारी ना है सजना बमेरा बड़ से लड़ना, सुखारी ना है सजना बमेरा बड़ से लड़ना। सज्जनों इस प्रकार से माता जानकी कहने लगी हैं कि हे स्वामी यदि जरा भी एक खून उसकी जमीन पे गिर जाए तो उसमें से हजारों रावण प्रकट हो जाते हैं, भला स्वामी उसको मारो तब आपकी जय जयकार है। आहा तो क्या होता भैया, तो बंधुओं क्या होता है कि सीता जी के सुन बचन राम चंद्र मुस्कान, सचमुच मेहरा बड़ प्रिय भारी बुरी बलाय। हाँ स्वामी आपने नाम तो
सुन रखा है? बोले हाँ, हमने पहली बार आपसे ही नाम सुना है। देखिए बंधु, आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम सब कुछ जानते हुए भी, और क्या होता है सीता जी के वचन सुन करके, और क्या होता है, अरे राम चंद्र भगवान लखन बनवान तभी बुलवाए, अरे समाचार में रावण के है भली भांति समझाए, सुने हैं, अपने भैया लक्ष्मण को पास में बुला लिया है और कहने लगे कि हे भैया लक्ष्मण सुनो, आज तुम्हारी भाभी इस बात को कहती है कि रावण को तुमने मारा ही कहां है। भगवान के वचन सुनते ही लक्ष्मण जी कहने लगे, हाँ हे स्वामी, हे प्रभु, इन बातों को सुन तो मैं भी रहा हूं, तो सुनिए हमारी बात, जो हम कह रहे हैं उसको करिए। तो क्या कहने लगे हैं, अरे महरा पर पे जाए कसे न सजाए करो चढ़ाई भैया, अरे महरा पर पे जाए कसे न सजाए चढ़ाई करनी, पापी के भारी पाप से जे डगमग कापे धरनी, प्रकार से बंधुओं जो कहा है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, ठीक है स्वामी, आपकी जैसी आज्ञा। अरे फिर से ना तो रात सजाई, अरे फिर से ना तो रात सजाई, भरत शत्रुघ्न सज रहे भाई, भीषण और भगवान इस प्रकार से बंधुओं वचन सुनते ही भगवान ने आदेश दे दिया है कि सेना को सजाया जाए और श्वेत द्वीप पर चढ़ाई करेंगे। तो बंधुओं, जितनी भी सेना थी आज सब सज करके और किस प्रकार से जा रही है, और क्या होता है, बजरंग बली हनुमान ने के गदा तो आज संहारी, बजरंग बली हनुमान ने के गदा तो ददा संहारी, नल नील सज सो ग्रीवर के वीर आज बल भैया, महाराज सज रहे जामो बंत बलवान, अरे सीता दियो कहे कहां की बरनी है भगवान, आज बंधु इस प्रकार से जैसे ही सीता जी ने देखा कि ये सेना सज करके चल दी है, भगवान जाने को तैयार हुए हैं, कहने लगे हे स्वामी आज ये कहां पे चढ़ाई कर रहे हो? भगवान कहने लगे, भला आपने ही तो कहा था कि रावण को कहां मारा है, रावण टी मारी है,
अब हम रावण से ही युद्ध करने जा रहे हैं। सीता जी कहने लगी, स्वामी मुगवे ले चलो। भगवान कहने लगे, वहां त्रियों का क्या काम है? अरे युद्ध तो हम करेंगे। जब इतने शब्द कहे हैं तो आज सीता जी क्या कहने लगी, के गुड़ बचन त्रियों के तब और सीता कहे उच्चार, के नारी बिने मेरे प्राणो नाथो सपना है संसार। भला आप तो इस बात को कहते हैं कि वहां नारी का क्या काम है, लेकिन नारी न होती तो ये संसार कैसे होता? स्वामी ध्यान दीजिए, अरे आदि शक्ति ने नारी से प्रभु, अरे आदि शक्ति ने नारी से प्रभु जने देवता तीनों, नारी के परताप से देवा देव नाम इन लीनो। हे स्वामी, आप तो इस बात को कह रहे हैं लेकिन मैं नारी के बारे में ही बता रही हूं। अरे आदि शक्ति ने नारी से प्रभु जने देवता तीनों, नारी के परताप से देवा नाम इने धर दीनो। और क्या, अरे जो नहीं होती पहले नारी, स्वामी जो नहीं होती पहले नारी, अरे कहो पिया क्या होता, होता ना ब्रह्मांड नाथ ना जग ये प्यारा होता। तो मेरे प्रिय सज्जनों, जैसे ही इतने शब्द सुने हैं भगवान ने मुस्करा गए हैं वो। और सुन सीता के वचन राम तब आज जान गए सच्चाई, अरे बोले चलो साथ में सीते जो त्यारे मन भाई। तो मेरे प्रिय सज्जनों, आज भगवान सीता जी के वचन सुनते ही समझ गए हैं और कहने लगे, चलो तुम्हारी इच्छा है तो चलो साथ ले चलते हैं। सीता जी भी आज मुस्करा गई हैं और चल दी हैं। तो क्या होता भैया, डोकर कैसे जा रहे हैं? अरे सिया राम लखनो बलवान हो बलवान गए श्वेत दीप में आई हैं। सिया राम लखन बलवान बलवान गए श्वेत दीप में आई हैं। सेना को लेकर के भगवान श्वेत द्वीप में जब पहुंच जाते हैं तो क्या होता है बंधुओं? सुंदर एक बाग निहारो है, सुंदर एक बाग निहारो है, सीता ने बचन उचारो है, सीता ने बचन उचारो है। और क्या, एक बगीचा
बहुत सुंदर था। उसे देख करके सीता जी कहने लगी, हे स्वामी देखो ये कितना सुंदर बगीचा है, चारों तरफ से हरा भरा है और श्वेत जीव तो आ ही गया है। तो क्या कहने लगी है, अरे कुछ कर लीजिए विश्राम विश्राम, गए श्वेत दीप में आई है। दीप में आई है और क्या भैया। सीता जी ने कहा कि हे स्वामी क्यों ना हम अपनी सेना को इस बगीचे में ही ठहरा दें, कितना सुंदर है। भगवान कहने लगे जैसी आपकी इच्छा। तो क्या होता भैया, अरे सेना सब वहां दई ठहराई, अरे सेना सब वहां दई ठहराई, लेकिन डोकर हाय फल लगे रहे पूरे बगीचा में, नाना प्रकार के इतने बंदर भालू की आदत जानो ही जो भगवान के साथ में गए थे। और क्या होता है, अरे फल बाग के लीने खाई, अरे फल बाग के लीने खाई, भारी कीनो है नुकसान नुकसान, गए श्वेत दीप में आई है। सिया राम लखन बलवान बलवान, गए श्वेत दीप में आई है। ध्यान दीजिए बंधुओं, आज बगीचा के फल खा लिए हैं और कुछ वृक्ष तोड़ तार के चारों तरफ से आए हुए ढेर बनाए दो। अब होता क्या है, अरे फल तोड़े कछु वृक्ष उखारे, हाँ फल तोड़े कछु वृक्ष उखारे, रखवारे झुर मिल के मारे, हाँ रखवाले झुर मिल के मारे, आहा अति दीनी मारो हनुमान हनुमान, गए श्वेत दीप में आई है। इस प्रकार से भैया भारी नुकसान किया बंदर भालुओं ने, और जितने भी मां रखवारे थे आए हाय चारों तरफ से जो नोच नोच के खाए, हनुमान जी ने अपनी पूछ में लपेटा दे दे के ऐसे मारे बेचारे, कछु बेहोश कर डारे, कछु रह गए सो भग गए। क्या होता है, रखवाले रोते हुए महरावर ढिंग जाए, बाग में जो कुछ भी हुआ सो रो रो कर रहे बताए। आज जैसे ही महरावर ने देखा कि बाग के रखवारे कैसे रो रहे हैं, क्या बात है, क्या हुआ है, महाराज गजब हो गया। कैसा गजब हो गया, कि बंदर भालुओं ने सारे बगीचा को उजाड़ दिया है, जितनी भी रोश थी हाय हाय सबको तोड़ करके मिला दिया है जमी में। बोले अच्छा, तो आज मेहरावर ने जो शब्द सुने हैं, बोले ऐसा कौन है वो। तो क्या कहने लगे कि सुनो, हमने जो सुनो है और देखो है,
रे, हम बे आए आए रे अयोध्या वारे, श्री राम के संग में आए बाजू रंगी। अरे के आए आए रे अयोध्या के श्री राम संग में आए बाजू रंगी। और क्या महाराज, देखो देखो हमारी दशा ये क्या कर डाली है। हाय राम की जय जयकार करते हुए वो बंदर भालू हम पे टूट पड़े हैं। बोले अच्छा, अरे सेना अध की अपारो संग में बंदर भालू मतवारे। अब सेना अध की अपारो संग में बंदर भालू मतवारे। अब तोड़े तोड़ के फल खाली ने वृक्ष तोड़ दे हैं सारे। और क्या, अरे के मारे मारे जी, हम मारे मारे जी, हाँ हाँ मारे मारे जी, तीनों हैं है संग्राम संग में आए बाजू रंगी। और क्या हे स्वामी, अरे बेल उखाड़ दई मेहंदी की। और क्या, अरे बेल उखाड़ दई मेहंदी की, खूंदी सबरी क्यारी है। बेल उखाड़ दई रे मेहंदी की, खूंदी सबरी क्यारी है। अब तहस नहस कर डारी उनने, देखो बगिया सारी है। तहस नहस कर डारी उनने, देखो बगिया सारी है। और क्या, अरे के फूल फूल पैरे कर रहे हैं वो विश्राम के संग में आए बजरंगी। आए आए रे अयोध्या के श्री राम संग में आए बजरंगी। आज जैसे जैसे ही बगिया का नुकसान वो मेहरावर सुनता जा रहा है, वैसे ही वैसे क्रोध बढ़ता जा रहा है। और क्या होता भैया, अरे सुने दूत के वचन दुष्ट ने, तनकन करी अवारी है। ए सुने दूत के वचन दुष्ट ने, तनकन करी अवारी है। अब काल के तुको भेज दयो भारी ये माया धारी है। आज बंधुओं जैसे ही ये रखवारों से वचन सुने हैं तो मेहरावर ने काल केत को बुला लिया है और भेज दिया है। क्या बोले और क्या होता भैया, अरे काल केत को भेज दयो भारी माया धारी है। अरे के गरजो गरजो रे, वहां बैठे श्री राम के संग में आए बाजू रंगी। आए आए रे अयोध्या के श्री राम संग में आए बाजू रंगी। आज मेरे प्रिय सज्जनों,
काल केत को भेज दिया मेहरावड़ ने लड़ने के लिए राम से, और कह दिया कि जाओ जितने भी बंदर भालू है सबको तहस नहस कर डालो। बंधु जो आज ने शब्द सुने हैं, काल केत ने जाकर के गर्जना की है, इधर में अपने कटक के सहित श्री राम फूल बगिया में बैठे, और क्या होता है, अरे सुने दोस्त के बेन लगे यो कहना तभी रघुराई, अरे जाओ भरत लाल देखो मार के देऊ भगाई, कितने गर्जना की है के बंदर भालुओं कहां छुप के बैठे हो, बाहर निकल के आओ युद्ध के लिए ललकारा है। गर्जना को सुनते ही राम कहने लगे भैया भरत तैयार हो जाओ। बोले हां भैया, देखो ये आवाज सुनो और जाकर के युद्ध करो। तो भरत जी तुरंत खड़े हो जाते हैं, और क्या होता है, चले भरत बलवान सो मेरे भगवान जहां खलो आया, मारो एक बाणो भरत ने है दोस्त को सुरग पठाया, आज जाकर के भरत जी ने जैसे ही देखा है सो मेहरावर काल के तो गर्जना करने लगा है, तो इधर में युद्ध होने लगा है, चारों तरफ से बंदर भालुओं ने घेर लिया। भरत जी ने जैसे ही बाण दिया है, आज काल केत की छाती में जाके लगा है, पृथ्वी पे गिर पड़े। अब जो दूर से देख रहे कछु निशाचर हाय हाय लौट के भगे हैं, और देखा निशाचरों ने आज मेहरावर के पास पहुंच जाते हैं, और क्या होता है, क्या कहने लगे भैया, अरे निसर मेहरावर ढिंग आए, अरे निसर मेहरावर ढिंग आए रण के सबर हाल सुनाए, तुरत सजाई। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, जैसे ही निशाचरों ने जाकर के कहा कि महाराज गजब हो गया, काल केतु को तो मार दिया, हाय हाय, एकदम से मेहरावर ने अपनी सेना को सजाया, और क्या होता है भैया, इधर में सेना सजा करके मेहरावर जब पहुंच जाता है तो तीर को चलाया और गर्जना की, तो क्या होता भैया, कमहरा बरना तेरे अरे फेंक विभीषण लंका, इधर में सबरी सेना बाग के किनारे पे बगिया के खड़ी थी, इधर में काल केतु पड़ा है, और मेहरावर अपनी सेना को लेके पहुंचा है, तो सबसे सामने विभीषण ही नजर आए। जो ही विभीषण को देखो, आय हाय ऐसो बाण दियो मेहरावर ने कि विभीषण लंका में जाके गिरे। आज देखो कौन कौन कहां कहां भेज दे भैया, अंगद और सो ग्रीवर के फेंक दिए है पंपा, महाराज भरत लखन और हनुमान अयोध्या में दे फेंक वीर शत्रुघ्न भी बलवान,
आज बंधु इस प्रकार से अंगद और सुग्रीव ये तो पंपापुर में फेंक दिए और दूसरो तीसरो बाण दियो उसमें भरत लक्ष्मण जी हनुमान और शत्रुघ्न आहा ये अयोध्या में भेज दिए एक ही बाण। अब देखिए ये दशा देखी है भगवान श्री राम ने तो क्या होता है। अरे निसर अतिरण में के निसर अतिरण में लड़ रहे भगवान राम अकेले। आज भगवान ने अपने धनुष बाण संवारे हैं अकेले रह जाते हैं और वो छोटी मोटी सेना बंदर भालू पे बूझ बांध रहे भैया इतने तक। इधर में सीता जी देख रही है ये नजारा। अरे निसर अतिरण में लड़ रहे राम देख अकेले। अरे मारे असुर निशाचर भारी वीर भयंकर अति बलधारी। मेरे प्रिय सज्जनों आज मेहरावर श्री राम से डट के युद्ध करने लगा है और निशाचर भी बहुत है। इधर में छोटे छोटे जो बानर रह गए हाय हाय वो निशाचरों से लड़ रहे हैं मारा मार पड़ी है और क्या दशा है। अरे मारे असुर निशाचर भारी वीर भयंकर अति बलधारी। अरे के भेजे सुरपुर में लड़ रहे भैया राम अकेले। अब देखिए डोकर जो इधर उधर जो भेज दिए थे मेहरावर ने और वो वीर देख करके ये दशा आपस में मन में विचार करने लगे तो भगवान अकेले रह गए चलो दौड़ करके। और सोच रहे मन में यदि हम माना पहुंच पाए रास्ता में से फिर फेंक दे। हनुमान कहने लगे चलो होगा सो देखा जाएगा। आहा चले भैया आज ताल ठोक ठोक करके। अरे जामो बंत सो ग्रीव भी भीषण भरत शत्रुघ्न हनुमत लक्ष्मण। अरे लौट के आए रणों में भैया लड़े रहे राम अकेले। निसर अतिरणों में भैया लड़े रहे राम अकेले। अरे सैकड़ों तीर राम ने मारे एक एक साथ आज भगवान सौ सौ तीर मारने लगे हैं मेहरावर के लेकिन मां असर कछुना हो। अरे सैकड़ों तीर राम ने मारे प्रगटे कई दुष्ट हजारे। ओहो जैसे ही खून की बूंद गिरती है मेहरावर के शरीर से जमी पर हजारों मेहरावर प्रकट हो जाते। अब तो भगवान घबराने लगे। अरे प्रगटे कई दोस्त हजारे
अरे गिरे जब लहू रणों में लड़ रहे भैया राम अकेले ने सरयती रणों में लड़ रहे भैया राम अकेले इस प्रकार से भैया आज युद्ध होने लगा है। लेकिन मां तो हजारों मेहरावर हो गए कि एक खून की बूंद से प्रगटे एक हजार रामचंद्र कहने लगे सो भारी सोचू अपार। आज रामचंद्र जी अपने मन में ही विचार करने लगे भाई एक मेहरावर होता तो देखे, अब तो कई हजार मेहरावर हो गए। सोचने लगे कि रामचंद्र भगवान अरे रामचंद्र भगवान के मारे बाण गिरे लहू रण में, अरे एक बूंद से एक रे हजार प्रगट क्षण में। अरे भारी मन पछताए करे क्या पाए नया वे मन में, दोनों महरावर प्रचुरे है सत मार दे तन में। इस प्रकार से भगवान तो सोच ही कर रहे, तब तक महरावर ने क्या किया भैया कि ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया है। आहा, इधर में राम के जो ब्रह्म शक्ति लगी है, अरे राम को गई रे मूरा छा आई, ए राम को गई रे मूरा छा आई, हनुमत दिन है गोद उठाई। जैसे भगवान को मूर्छा ये तब तक तो हनुमान जी अयोध्या से वापस आ जाते हैं। हाँ ये दशा देखी तो एकदम से भगवान को अपनी गोदी में ले लिया है। अरे हनुमत लीने जब गोद उठाई, अरे सीता के ढेंगा पहुंचे आई, बोले कहां ध्यान तेरो माई। हनुमान जी राम को गोदी में लेकर के सीता जी के पास पहुंचे हैं कि हे माते तुम्हारो कहां ध्यान है, देखो ये क्या हुआ प्रभु को। बंधु आज सीता जी जान गई हैं और किस प्रकार से काली का रूप धारण किया है डुकर, और क्या होता है। इधर में भगवान की जब मूर्छा जागी है तो सीता जी को सामने देखा है। सीता जी कहने लगी स्वामी अब तो आज्ञा दे दो हमें। भगवान कहने लगे हा प्रिय मैं समझ गया तुमने जो कहा ये वैसा ही मेहरावर है, अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं जो तुम्हें करना है करिए। कि आज्ञा राम की पाय सियाने काली रूप बनाए, शंख गदा कर में चक्र रहो लहराई। अरे आज्ञा राम की पायसिया ने काली रूप बनाए, शंख गदा कर में चक्र रहो दी लहरा। और भैया आज अष्टभुजाधारी है, एक हाथ की जीव डोकर, आंखें लाल, खप्र, शंख, चक्र, गदा, खड़ग, हाय हाय अब कैसे युद्ध होता है और क्या होता है भैया।
अरे अष्टभुजि लख रूप देव सब हरसाए, अष्टभुजि लख रूप देव सब हरसाए, जय जयकार करे नव परसा बरसाए। अरे जय जयकार करे नव फूल ये बरसाए, और क्या अब खून को प्यासो खपर करो मैं, खून को प्यासो खपर करो मैं, मेरा बड़ घबराए, शंख गदा है करो मैं, चक्रु रहो दिल हैराए। सज्जनों अब देखिए सीता जी युद्ध करने लगी है काली का रूप धारण करके। अरे बूंद खून की एक न धरनी गिर पाई, और क्या भैया अब मेहरावण की माया दीनी बिसराई, और क्या मह बेकाल रूप काली को अब मने कहे समझाई, चक्र गदा खड़ूंगी। अरे आज्ञा राम की पायसिया ने, अरे काली रूप बनाई, शंख गदा है करूंगी, चक्र रहो दिल हैराई। सीता जी ने काली का रूप धारण करके और पहले उसकी भुजाएं काटी, भुजा काटने के बाद में है उसके हजारों सरों को काटा, और जो खून गिरने को होता है उसे खप्पर लगा दिया है। इस प्रकार से मेहरावण का वध हुआ। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। यहां पर ये मैंने सीता बनी काली सुनाई त्रिमूर्ति कष्ट के माध्यम से। धन्यवाद।